Hello students, good morning. Today we will study our GK book lesson number 5, 6 and 7. Okay students, today we read 3 lessons in our GK book. In my previous video, we have complete lesson 2, 3 and 4 in our book and copy students. So, in this video, we will study about lesson 5, movements of animal. लेसन 5 इज मूवमेंट्स ऑफ एनिमल. इस लेसन में हम पढ़ेंगे जो एनिमल्स कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं उनके मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं. इन लेसन 6 वी नो अबाउट फेमस पीपल. कुछ फेमस लोगों के बारे में हम लेसन 6 में पढ़ेंगे. इन लेसन 7 वी स्टडी आल्सो नोन एज. लेसन 7 में कुछ फेमस लोगों के नेम हैं उन्हें हम और भी नामों से जाना जाता है. उन नेम्स के बारे में हम लेसन 7 में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम लेसन नंबर 5. लेसन 5 इज मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, लेसन 5 इज मूवमेंट्स ऑफ एनिमल. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट हाउ द एनिमल्स मूव एंड व्हाट डू वी से. ओके स्टूडेंट्स, मींस एनिमल्स जब मूवमेंट्स करते हैं तो उस मूवमेंट्स को हमने क्या नाम दिया है. ओके, लाइक फर्स्ट वन इज बेयर. बेयर इनके मूवमेंट्स को हम बोलते हैं स्टैम्प. सो यू हैव टू मैच नंबर ए फ्रॉम एफ. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू यूज स्केल फॉर मैचिंग. सेकंड इज हनी बी. हनी बी द वे शी मूव्स इज कॉल्ड फ्लिट, FLIT, फ्लिट. थर्ड इज हैन. द वे शी मूव इज कॉल्ड स्ट्रट. वॉट इज कॉल्ड स्ट्रट. देन स्नैक. स्नैक द मूवमेंट इज कॉल्ड स्लाइथर. वॉट द मूवमेंट कॉल्ड स्लाइथर. देन नंबर फाइव फ्रॉग. The movement of the frog called jump. What called jump? The movement of the frog is called jump. Number 6 is horse. The movement of the horse is called trot. The movement of the horse is called trot. Number 7th is deer. The movement of the deer is called leap. L-E-A-P, leap. 8 is cat. The movement of the cat is called pounce. The movement of the cat is called pounce. Cat, the movement of the cat is called pounce. Then you can see here a creepy crawlies type of insect. This insect movement is called crawl. It is called crawl. ये एक type का insect है students. ये जब मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रॉल. ओके, लाइक दिस वे यू हैव टू मैच विद द हेल्प ऑफ स्केल. ओके, ऑन पेज नंबर 10 मेंशन हियर डेट आल्सो एंड HW स्टूडेंट्स एंड डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज, फेमस पीपल लेसन नंबर 6. कुछ फेमस पीपल के बारे में हम जानेंगे जो पूरे वर्ल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं. नॉट ओनली कंट्री अवर इंडिया, केवल इंडिया के ये फेमस लोग नहीं हैं, ये पूरे वर्ल्ड से हैं. पिक्चर ऑफ सम फेमस पीपल आर गिवन बिलो. कुछ फेमस लोगों के पिक्चर्स दिए हैं. टेल देयर नेम बाय राइटिंग सुटेबल लेटर अगेंस्ट ईच यूजिंग द हेल्प बॉक्स. इनका नेम आपको बताना है और यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए गए हैं इन बॉक्सेस में आपको राइट नंबर लिखना है. यहाँ हेल्प बॉक्स में है, हेल्प बॉक्स में उसका नाम पढ़ना है और जिस नंबर के सामने है वो लेटर आपको उस बॉक्स में लिख देना है. लाइक फर्स्ट वन इज द नेम, हियर इज रणबीर कपूर. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ रणबीर कपूर. सो यू हैव टू फाइंड हियर वेयर इज रणबीर कपूर. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी और नंबर ए इज रिटन हियर रणबीर कपूर. सो इन सर्कल यू हैव टू राइट हियर ए. अंडरस्टूड?
यहाँ पे आपको फिगर देखना है, जिसका फिगर है उसका नेम इस हेल्प बॉक्स में फाइंड करना है। फिर उस नेम के सामने जो लेटर लिखा है, जिस लेटर के पास वो नेम लिखा है, वो लेटर आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, कम ऑन सेकंड नंबर। सेकंड इज दीपिका पादुकोण। सेकंड इज दीपिका पादुकोण। यू हैव टू फाइंड वेयर इज़ दीपिका पादुकोण इन योर हेल्प बॉक्स। यू कैन सी नंबर ई इज रिटन दीपिका पादुकोण, सो यू हैव टू राइट हियर ई। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। ऑन थर्ड नंबर इज बराक हुसैन ओबामा, सो यू हैव टू फाइंड हियर बराक हुसैन ओबामा। फाइंड आउट, यू कैन सी ऑन नंबर जी इट इज़ रिटन हियर बराक हुसैन ओबामा, सो इन द सर्कल यू हैव टू राइट स्टूडेंट जी। ओके, देन ऑन नंबर फोर्थ द पिक्चर इज, हुज पिक्चर इज दिस, अमिताभ बच्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू फाइंड हियर अमिताभ बच्चन, वेयर इज रिटन ऑन द नंबर जे, सो यू हैव टू राइट हियर जे। लाइक दिस स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिल दिस ऑल द एक्सरसाइज इन योर बुक। ओके, then come on lesson number 7, also known as, in this lesson we will study some famous people and their, you can say, and their nickname also. Students, you all have also two names, I think aap sabhi logo ka do name to hoga students. Ek aapko jo official, matlab officially means normally jo aapke school mein write kiya jata hoga, आप देखते होंगे स्कूल में जो नाम है, उसके अलावा एक नेम और होता है आप लोग का जो घर में प्यार से लोग बुलाते हैं। ओके, लाइक दिस, इसी तरह से हम पढ़ेंगे। इनका एक तो नेम है जो हम सभी जानते हैं, कुछ ऐसे नेम भी हैं इनके जो इनके निक नेम्स थे। ओके, लाइक फर्स्ट वन इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी जानते हैं हमारा जो नेशनल एंथम है उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सो रविन्द्रनाथ टैगोर को हम और किस नाम से जानते हैं, गुरुदेव। सो यू हैव टू मैच नंबर वन फ्रॉम नंबर ई, रविन्द्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो नोन एज गुरुदेव। देन सेकेंड इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो नोन एज लोकमान्य, सो यू हैव टू मैच नंबर टू फ्रॉम नंबर सी। थर्ड इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इज ऑल्सो नोन एज नेताजी, सो यू हैव टू मैच फ्रॉम नंबर ए, नंबर थ्री। देन ऑन फोर्थ नंबर जवाहरलाल नेहरू। यू ऑल नो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट्स, एंड यू ऑल्सो नो दैट जवाहरलाल नेहरू इज ऑल्सो नोन एज चाचा। देन नंबर फाइव, ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट इज अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद इज़ ऑल्सो नोन एज मौलाना, सो यू हैव टू मैच नंबर फाइव सो फ्रॉम नंबर डी। देन सिक्स इज भगत सिंह। भगत सिंह इज़ ऑल्सो नोन एज शहीद आज़म, सो यू हैव टू मैच नंबर सिक्स फ्रॉम नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कंप्लीट लेसन 5, 6, 7 इन योर बुक, एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड यू अ स्नैप विच आई हैव written number 5, 6 and 7 in your copy. Okay students, so complete the homework.